नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आई। आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं वाराणसी की तरफ, जहां बीएचयू अस्पताल में कार्यरत कर्मी मिला कोरोना पॉजिटिव। जी हां, यूपी के वाराणसी जिला के लंका थाना अंतर्गत सरसुंदर लाल चिकित्सालय में कार्यरत कर्मी, जो अड़तली बाजार में महावीर मार्ग स्थित विंध्याश्विनी नगर कॉलोनी के गेट नंबर 2 के सामने मकान में रहता है, जिसका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी अर्दली बाजार पवन यादव कांस्टेबल सर्वजीत चौहान ने मेडिकल टीम को दी सूचना व परिजनों को घर के भीतर रहने की दी हिदायत, तथा सूचना पर पहुंची मेडिकल टीम पॉजिटिव व्यक्ति को लेकर हुई रवाना। देखें शिवपुर से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। मानसून की दस्तक, मौसम का बदला मिजाज। जी हां, यूपी के कन्नौज जिला के छिबरामऊ थाना अंतर्गत मानसून ने दी दस्तक, मौसम का बदला मिजाज। तेज ठंडी हवाओं के साथ जोरदार हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश में बच्चों ने छतों पर की मस्ती। बारिश इतनी तेज थी कि घर में बंधे जानवर भी पानी में डूबे। मक्का सहित कई फसलों के लिए लाभकारी है बारिश। आज सुबह से ही रही है बारिश, जिसमें गर्मी से भी राहत मिली है। देखिए छिबरामऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा, सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर। ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र, यहां पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मासिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल माल रोड अगरसैन चौक फिरोजपुर, मोबाइल नंबर 7009302301 0162351 2301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। पुलिस प्रशासन द्वारा काटे गए चालान और बांटे मास्क। जी हां, पंजाब की फिरोजपुर जिला के तहसील जीरा में कोरोना वायरस के मद्देनजर शहर में नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई और जो बिना मास्क के घुस रहे थे उनके चालान काटे गए और जो व्यक्ति मास्क नहीं खरीद सकते उनको मास्क दिए गए। देखिये पंजाब से गुरुलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। जिहड़े साडे टीम के नाल जुड़े ने, साडियां पोस्टां वेखदे ने, अज जीरा शहर के बस स्टैंड के कोल पुलिस प्रशासन वालों नाका लगाया गया। इन्हां दे वल्लों मास्क भी वंडे जा रहे हैं और गड्डियां की चैकिंग की जा रही है, कुछ चलान भी कटे गए हैं और साडे कोल बलौर सिंह जी ये अगले ही मौजूद ने, नाल साडे सब इंस्पैक्टर भी चलान कट रहे हैं और गल करते हैं बलौर सिंह नाल। सति श्री अकाल सर जी, जिहड़े व्यक्ति मूँह ते मास्क नहीं पाउंदे जी, जां बिना बिना काम कार तों बाजार दे विच घूम रहे ने, उन्हां दे जिहड़े वार वार आउंदे जिहड़े बंदे आउंदे जी उन्हां चालान कट्टे। किन्ने चालान कर दित्ते गए जी तुहाडे वल्लों? करीब चालान कट्टे 20 तों 25। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
दो पक्षों में हुई फायरिंग, एक की लगी गोली। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव बगरैन में शादी समारोह में कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में चली फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। हालत गंभीर है, दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से हुआ है घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते पुराने विवाद ने पकड़ा है तुल। देखे उघैती से राम प्रजापति की रिपोर्ट। बिजली विभाग की घोर लापरवाही। जी हां, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सैरिख थाना के खड़नी इलाके में 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन पर काम कर रहे अस्थाई बिजली कर्मी तार में चपका। काफी देर तक तारों के बीच जलता रहा कर्मी। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर घायल को खंभे से नीचे उतारा। गंभीर अवस्था में घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। हाई टेंशन लाइन डालने का काम हो रहा था खंभे पर, तभी अचानक बिजली की सप्लाई हो गई और शुरू घटना के बाद बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा गया। देखे छिबरा मऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।